हाय, इट्स मी अनु एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अनुज ऑल इन वन। तो गाइज, जैसे कि आप थंबनेल में देख के आए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज हम आपको बताएंगे कि एक स्टार मेकर के एक वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर और एक सुपीरियर ब्रॉडकास्टर में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस होते हैं। तो सिमिलरिटी जो हैं वो भी बहुत सारी हैं, जो वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर वो भी सुपीरियर ब्रॉडकास्टर बन सकती है। जो उसकी सिमिलरिटी है वो ये होती हैं कि फर्स्ट उसकी सिमिलरिटी ये होती है कि वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर हो का सिलेक्शन हो या फिर सुपीरियर ब्रॉडकास्टर का सिलेक्शन हो, आपको उसके लिए या तो आपका बहुत ज़्यादा सुंदर ग्लैमरस होना चाहिए, ज़रूरी है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, हर चीज़ खूबसूरती नहीं होती, तो आपको आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, चाहे वो सिंगिंग का हो, चाहे वो डांसिंग का हो, चाहे आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता हो, या फिर बहुत अच्छे से आपकी ऑडियंस के साथ में जो वार्तालाप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये एक सिमिलरिटी है वेरीफाइड और सुपीरियर ब्रॉडकास्टर में। सेकेंड ये है कि वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर को भी मेकअप करना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि वो अच्छी दिखे, और सुपीरियर ब्रॉडकास्टर को भी मेकअप करना पड़ेगा कि वो अच्छी दिखे। इन्हीं बेस के आधार पर आपको स्टार मेकर चूज़ करता है वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर और सुपीरियर ब्रॉडकास्टर के लिए। और इसके मार्क्स भी होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो आप लोग ये नोट करते जाइए, इसके मार्क्स भी होते हैं। सुपीरियर ब्रॉडकास्टर के 10 मार्क्स होते हैं कि उसमें कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए। सेकेंड होता है कि मेकअप होता है, उसके भी 10 मार्क्स होते हैं, पूरा 100 मार्क्स का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर होता है लाइव रिक्वायरमेंट, यानी लाइव रिक्वायरमेंट में आपको ये है कि कम से कम आपको वैलिड डेज तो पूरे करने चाहिए 10 डेज़। ये सिमिलरिटी नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन आपको अच्छे से यहाँ पे ये है कि अच्छे से आपको लाइव करना चाहिए, और कोई भी डार्क नहीं होना चाहिए रूम में, लाइट ऑफ ना हो, या आपकी जगह कोई और आपको उस देर बिठा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके पूरे सेशन में, जो भी आपका लाइव सेशन चल रहा है उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और सिमिलरिटी एक ये सबसे बड़ी ये सिमिलरिटी है, इसके भी आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। अवतार, यानी आपकी जो प्रोफाइल पे जो इमेज होती है, यानी जो आप अपनी फ़ोटो लगाते हैं, वो आपकी खुद की होनी चाहिए और बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, और जो बाहर आपके लाइव पे जो फ़ोटो डिस्प्ले होती है वो भी आपकी बहुत सुंदर सी आप लगाइए, जिसमें आप बहुत अट्रैक्टिव दिखें। तो ऐसी फ़ोटो जो होती हैं वो रिकमेंड होते हैं ऐसे ब्रॉडकास्टर, चाहे वो वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर के लिए हो, चाहे वो सुपीरियर ब्रॉडकास्टर के लिए हो, ऐसे को रिकमेंड जो पार्टी ओनर होता है वो जल्दी करता है, और वो सेलेक्ट भी जल्दी हो जाते हैं। जो बार बार भेजते हैं उनके रिजेक्शन का मेन कारण यही होता है कि उसमें इनमें से कोई भी एक चीज़ उनकी मैच नहीं की होगी, तभी ये कारण होता है। लाइव बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर हो, चाहे सुपीरियर ब्रॉडकास्टर, इसके भी आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। लाइव बैकग्राउंड मतलब जहाँ पे भी आप लाइव कर रहे हो, अपना पीछे बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड है, अगर आपका घर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा सा नहीं है तो आप कोई कर्टेन लगा सकते हैं, बगल में आप कोई फ्लावर पॉट रख सकते हैं, तो ऐसा भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइव इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, आपको इसके भी 10 मार्क्स मिलते हैं। मतलब कोई भी आपको मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट चूज़ करना चाहिए, ब्राइट लाइट हो और बहुत अच्छी ब्यूटीफुल लाइट हो, डेकोरेशन हो, अगर ऐसा होता है तो वो भी सुपीरियर ब्रॉडकास्टर के लिए फटाफट सेलेक्ट हो जाता है, और चाहे वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर के लिए। और आपका होता है कि आपका नेटवर्क बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर हो, चाहे सुपीरियर ब्रॉडकास्टर हो, अगर आपका नेटवर्क कचरा है और अगर आपने रिकमेंड भी किया हुआ है, तो स्टार मेकर का ऑफिशियल आपके ब्रॉड पे आएंगे और देखेंगे कि अरे इसका तो नेटवर्क कचरा है, तो वो आपको कभी भी टैग नहीं देंगे। इसलिए आपका नेटवर्क जो होता है, वाईफाई हो या आपका जियो का हो, जो भी हो, नेटवर्क जो होता है वो बहुत अच्छा इंटरनेट चलना चाहिए। अगर आपका लाइव स्टक होगा तो आपको वो बिल्कुल भी टैग नहीं देने वाले हैं कोई भी, चाहे आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हों। और आपका ये है कि और आपका ये इक्विपमेंट कुछ होने चाहिए आपके पास, जैसे आपके पास अच्छा सा माइक है, और नहीं भी है तो आप साधारण माइक से गाइए, लेकिन आपकी सिंगिंग में वो बात होनी चाहिए, आपका इस तरह से आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं कि आपको टैग इजिली मिल जाए जब वो दौरा करने आते हैं आपके ब्रॉड का, तो उनको अगर उन सब चीज़ों में अगर एक भी आपको नहीं दिखी या कुछ उनको गड़बड़ दिखा तो वो आपको टैग नहीं देंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो जिनको टैग बार बार रिकमेंड करने पे नहीं मिल रहा, उनका ये एक रीज़न बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, हर ब्रॉडकास्टर, चाहे वो सुपीरियर के लिए जाए और चाहे वो वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर के लिए रिकमेंड की जाए, सबके लिए एक एडमिन, सबके लाइफ पे, सबके रूम पे एक एडमिन का होना
बहुत ज़रूरी है, जो कि एडमिन भी एक्टिव एडमिन यानी कि सुस्त पड़ा है, एक्टिव एडमिन का होना बहुत ज़रूरी है ब्रॉडकास्टर के लाइफ पे, ताकि वो समय समय पर आपको थोड़ी बहुत गिफ्टिंग करता रहे, थोड़े बहुत फ्लाइंग मैसेज भेजता रहे, ताकि आपके ब्रॉडकास्टर में एक रुचि बनी रहे। मान लो आप थोड़ी सुस्त पड़ गए हो गाते गाते, तो आपका एडमिन ही इतना अच्छा हो कि वही सबसे बातचीत करके उनका इंटरटेनमेंट करता रहे और आपके ब्रॉड को छोड़कर कोई ना जाए। और जितनी ज़्यादा जितना अच्छा आप ब्रॉड करेंगे, जितनी ज़्यादा गैदरिंग होगी आपके ब्रॉड में, उतनी जल्दी आपको वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर या सुपीरियर ब्रॉडकास्टर का टैग मिल सकता है। अब मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या होते हैं। वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर और सुपीरियर ब्रॉडकास्टर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस ये होता है कि वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर बनने के लिए आपको 10 वैलिड डेज करने होते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, और सुपीरियर ब्रॉडकास्टर के लिए जब रिकमेंड करा जाता है तो 15 वैलिड डेज आपको पूरे करने होते हैं बहुत अच्छे सारे रूल्स के साथ जो मैंने आपको बताए। ये सब 100 नंबर्स के सब बताए मैंने आप लोग को जो बताए हैं, ठीक है, तो इनका आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपकी दूसरी चीज़ होती है कि जो वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर है उसको 400% बोनस मिलता है, जो आपको आपके लाइफ पे गिफ्टिंग हुई, और गिफ्टिंग होने के बाद जब फाइनल वो होता है आपका सैलरी बनती है, तो आपको जितनी गिफ्टिंग हुई उस गिफ्टिंग का 400% आपको स्टार मेकर भी डायमंड देता है, और फिर आपकी सैलरी एक अच्छी सी अमाउंट में आ जाती है। और आपकी सुपीरियर ब्रॉडकास्टर में आपको बाकी ब्रॉडकास्टर से 600% एक्स्ट्रा जो होती है वो बेनिफिट मिलता है, 600% मतलब इनकम आपको मिलती है, सैलरी में बेनिफिट होता है, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और गाइस वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर का जो मैंने आपको बताया कि आपको वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर और ये सुपीरियर ब्रॉडकास्टर में को दोनों को ही एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है कि नॉर्मल ब्रॉडकास्टर से सबसे पहले आपको रिकमेंड किया जाता है, यानी हॉट लाइव आप लोगों का चलता है, सुपीरियर ब्रॉडकास्टर का सबसे ऊपर रहेगा, फिर वेरीफाइड ब्रॉडकास्टर का उसके डाउन रहेगा, और फिर जो नॉर्मल ब्रॉडकास्टर से उनका नीचे डाउन रहेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छी नॉर्मल ब्रॉडकास्टर भी है या वेरीफाइड है, अगर उसके में गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसका हॉट लाइव जो है वो सबसे ऊपर चला जाता है, मतलब हॉट लाइव में आने का चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, जिसके में गैदरिंग ज़्यादा होती है और गिफ्टिंग भी साथ में होती रहती है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा पॉइंट आपको पता होंगे। तो आपको मैंने बता दिया है कि गाइस अगर आप लोग को ये शिकायत आ रही है कि मैं हर क्राइटेरिया पूरा कर रही हूँ फिर भी मुझे टैग क्यों नहीं मिल रहा है, सबसे पहली बात तो आप तब रिकमेंड किया करिए जब, जैसे आज 29 है, आई थिंक 29 है, तो 30 तारीख को रात के 12 बजे से पहले, यानी आप शाम के 4-5 बजे आप ब्रॉडकास्टर को रिकमेंड कर दीजिए। एक मतलब ये नहीं कि आपको पूरा हुआ नहीं कि आपने रिकमेंड कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको देखा नहीं जाएगा। आप रिकमेंड तब करिए जब लास्ट, जैसे मंथ का लास्ट चल रहा है, 30 तारीख को आप रात के 12 बजे से पहले रिकमेंड कर दीजिए, या फिर 29 तारीख की शाम या रात में आप रिकमेंड उनको कर सकते हैं। फिर आफ्टर 6 डेज जब आप रिकमेंड करते हैं, तो आफ्टर 6 डेज आपको पता भी नहीं चलता है, स्टार मेकर के ऑफिशियल आपके ब्रॉड का दौरा करने आते हैं और वो सारी चीज़ें देखते हैं कि ये इसके अंदर कोई टैलेंट है या नहीं, ये सिंगिंग अच्छी कर रही नहीं कर, कोई तो टैलेंट है, अगर टैलेंट नहीं है तो ये खूबसूरत है या नहीं, और खूबसूरत है तो इसका जो बात करने का लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा है कि नहीं, कि ऐसे तो नहीं सुस्त पड़ी हुई है ब्रॉडकास्टर, गिफ्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही, लाइट अच्छी है कि नहीं अच्छी है, पीछे का बैकग्राउंड अच्छा है कि नहीं अच्छा, और सबसे बड़ी बात जो एक सबसे बड़ी बात, इसका नेटवर्क कैसा है। अगर आपका नेटवर्क कचरा है तो आपको कोई भी टैग मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो बार बार आप अटकोगे तो आपकी जितनी गैदरिंग होगी वो वैसे भी भाग जाएगी। तो नेटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए, थोड़ा ग्लैमरस होना चाहिए, सुंदर हो आप, अगर सुंदर नहीं है, नहीं भी नॉर्मल हो आप, तो आपको अच्छे से इंटरेक्ट करना चाहिए अपनी ऑडियंस के साथ। सिंगिंग नहीं आती कोई बात नहीं, डांसिंग आती होगी, कुछ पियानो बजाना आता होगा, नहीं तो जोक्स आते होंगे, मतलब किसी चीज़ में तो कुशल होंगे। तो वो सब चीज़ें जब आप रिकमेंड करते हैं आपके एजेंसी ओनर, तो आफ्टर 6 डेज स्टार मेकर के ऑफिशियल आते हैं और आपके ब्रॉड का दौरा करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, और फिर वो आपको टैग नहीं मिलता है, भले 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, अगर उनको नहीं समझ में आया कि यू आर अ पोटेंशियल ब्रॉडकास्टर, आप में वो चीज़ है जो आपको टैग दी जाए, तो आपको नहीं देंगे।
ये आप जान लीजिए, वो आपको नहीं देंगे भले ही आप उनका क्राइटेरिया पूरा करो। लेकिन अगर भले ही मतलब आप उनका मतलब आपको गिफ्टिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप सारा टाइम वाइम पूरा कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये पॉइंट्स नहीं पूरे करते हो जो 100 मार्क्स के हैं, जिनमें आपका नेटवर्क आता है, आपकी सुंदरता आती है, आपका स्किल्स आती है, और ये अगर आप पूरा नहीं करते हो तो आपका टैग मिलना वहीं पर रुक जाता है और फिर बहुत परेशानियाँ आती हैं, फिर हमको बहुत मतलब रिक्वेस्ट करनी पड़ती है तो शायद मिल जाए, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो गाइज़ अगर ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा सॉरी, बट मैंने आज आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, जो हो सकता है मैं पहले वाले वीडियो में ना क्लियर कर पाई हूँ, तो ये सारे मैंने डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। तो होप्स हो कि आपको ये मेरी बातें जो जानकारी है वो आपको यूज़फुल लगी होगी। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलो, विच इज़ अनूज ऑल इन वन। थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर, और जल्दी ही मैं भी कभी कभी आऊँगी लाइव करने स्टार मेकर पर, तो आप लोग मुझसे वहाँ पर मिल सकते हैं। तो बाय, टेक केयर, बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय, टेक केयर।